अगली रागनी आपको तोड़ बिठा देंगे, उस मौके की सुनाएंगे। प्रेमी सजनों, इतना कहकर के विक्रम तो चला गया और जाकर के दरबार में सब कुछ बता दिया। इधर पिंगला ने नगर सेठ को बहका करके गवाही दिलवा दी और ये भी कह दिया कि महाराज तेरा भाई बदचलन है और इसने तो मेरी इज्जत तारने का काम किया है। राजा के इसे कान भर दिए। ऊपर ते नगर सेठ ने जब गवाही दे दी अक तेरा भाई मेरी पुत्र वधु के साथ अवैध संबंध रखता है और महाराज प्रत्येक दिन मदरा पीता है, दारू पीता है। हे सजनों, बुरा मत मानना, आजकल तो 80% लोग 70% पीने लग गए। पहले, आज से मैं 30 साल पहले की बात करूं, जब हम छोटे छोटे से एक दो व्यक्ति हमारे गांव में दारू पिया करते थे, उनको हम बच के लिकड़ते थे कि ये दारू वाला आदमी है। इब तो घर घर में शेरनी का दूध है और घी बूरा की दावत ही खत्म होगी। इब तो यो मिल गई तो यूं मान लो परमात्मा मिल गया। क्यों जी ताऊ जी, जो दही बूरा की, घी बूरा की, दाल चूरमा की जो दावत पहले दिया करते थे, वह सारे ही मामले मुसद्दी खत्म। इब तो बोतल मिल गई तो रिश्तेदार ने यूं मान लो परमात्मा मिल गया। हे सजनों, दारूबाज का नाम सुना, चरित्रहीनता की बात सुनी, विक्रमा को कत्लेआम का हुक्म सुना देता है, पर उन जल्लादों ने नहीं मारा, छोड़ दिया और ये कह दिया महाराज उज्जैन नगरी में मत आना। तो गुरु गोरखनाथ के यहां रहने लगे विक्रमा। पर गुरु गोरखनाथ को जब पता चला कि विक्रमा शिकार हो गया है षड्यंत्र का, तो फिर एक महात्मा का भेष बना करके भूप भरथरी के दरबार में आए गुरु गोरखनाथ और एक अमर फल देकर के अंतर ध्यान हो गए। अकरे राजा, इस अमर फल को खा लेना, तू अमर हो जाएगा। सजनों, वैसे कोई अमर फल नहीं हुआ करता, इसकी परिभाषा की जाए वो अलग है, लेकिन वो माया रूपी अमर फल था, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी करना था। प्रेमियों, राजा ने सोचा तू इस अमर फल को खाएगा, तू तो अमर हो जाएगा, लेकिन यो पिंगला मर गई तो फिर कैसे जिंदगी जीवेगा। उसने वो अमर फल पिंगला को दे दिया और पिंगला ने सोचा कि तू अमर हो गई और कोतवाल मर गया तो फिर कैसे जिएगी। उसने वो अमर फल कोतवाल को दे दिया और कोतवाल ने एक वैश्या के यहां जाके रात को संगम किया, उसे दारू के नशे में दे देता है। वैश्या की जब सुबह आंख खुली तो उसने वो अमर फल महाराज को जाकर के दे दिया। अक महाराज, मैंने तो जीवन भर पाप करने हैं, मैं इस अमर फल को खा के क्या करूंगी, मुझे आप दान दक्षिणा में इतना दे दीजिए कि मेरे जीवन यापन हो जाए। जब राजा ने देखा कि ये तो वही अमर फल है, तलवार निकाल लेता है, गर्दन काटने को तैयार हो जाता है उस वैश्या की। तो न्यू कहने लगी, वाह रे महाराज, अच्छा इनाम दिया। बोल, तेरे पास ये अमर फल कहां से आया? अक यो जो कोतवाल बैठा है ना, इसने रात्रि मेरे यहां बिताई थी, मेरे यहां संबंध बनाए थे, इसने दारू के नशे में दिया था। कोतवाल को पकड़ लिया। कोतवाल भी गिड़गिड़ाने लगे, महाराज मेरा दोष कसूर नहीं है, मुझे तो ये अमर फल तेरी रानी पिंगला ने दिया था। जैसे ही पिंगला का नाम आया, प्रेमी सजनों, पैरों तले की जमीन लिकड़ गई महाराज के। पिंगला को बुला लेता है और अब तो भाई की याद आने लगती है, पर पिंगला फिर भी स्वीकार नहीं करती कि ये अमर फल मैंने खा लिया। यहां के रागनी के बोल हैं, आइए अब के राजा का रोल निभाऊंगा भरतरी का, पछताऊंगा भी, और पिंगला का रोल एक बार फिर मैडम दीपा निभाएंगी। एक बार तालियों का आशीर्वाद और दे दीजिए, सुनिए रागनी। सेवादार जी महाराज प्रणाम। अभी इसी वक्त, हाँ जी, प्रणाम आपका स्वीकार है, रानी पिंगला को दरबार में बुलाया जाए। जी जैसा आदेश। जल्दी जाके कहे जी, तुरंत जी, किसी अवस्था में हो तुरंत दरबार में आए। महारानी पिंगला की जय हो। सेवादार, हाँ कहिए। आज महाराज भरतरी मुझे कुछ गर्म मूड में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, और मुझसे ये कहा है कि जल्दी से जल्दी महारानी पिंगला को दरबार में बुलाया जाए। आपको महाराज भरतरी ने दरबार में याद किया है? कोई बात पता है तुझे? नहीं पता क्या? नहीं, बात मुझे कुछ नहीं पता है, महाराज स्वयं बताएंगे, आप जल्दी चलो। चलो तो आइए। महाराज के श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। कति छाती पे चढ़ के करेगी, थोड़ी परली साइड से कर ले। मुसद्दी जी महाराज, या डंडी दे मने थोड़ी देर के लिए। क्यों? मेरे काम आवेगी। शाबाश, क्या करेंगे आप डंडी थे? इसी कसूती ले रहा है, अगर एक मार दी ना कसम से इतनी सूझ जाएगी एक में। देख ले, ये तो छो में कदे कदे।
अगर छो में आके मार दी तो रिपोर्ट तेरे नाम होगी, इस बात ने देख लिया। अच्छा ठीक है पिंगला जी। पिया जी कहिए, आपने इस वक्त डायरेक्ट जी बोल दे, पिया जी भी मत कहे अब। हां जी बोलो जी। जी भी छोड़ दे, यूं ही कहते बोलो, कहते बोलो बोलो जी, पिया बोलो जी। भी छोड़ दे, यूं कह बोल। आज आपको क्या अगर हो गया? यो भी कह दी तो आगे की भी बात बता दूंगा फिर। आपको क्या मैं हो गया? ये जानना चाह रहा हूं कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको एक अमरफल दिया था। दिया था, याद है? याद है। इस समय तुम्हारी शारीरिक हालत ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मानसिक हालत ठीक है? सारी हालत ठीक है। आंखों से ठीक दिखाई दे रहा है? एकदम। कान भी बढ़िया सुन रहे हैं? बढ़िया। कोई हारी बीमारी? कोई बीमारी नहीं है। बीपी शुगर ब्लड प्रेशर कोई परेशानी? अभी तक तो बच रही हूँ। तो फिर ये बताओ कि हमने जो अमर फल दिया था जी, तुम पतवरता औरत हो बिल्कुल, उसमें से 4 भाग करके 1 भाग तू खा ले, 1 भाग मुझे दे, 1 भाग मुसद्दी को दे दे, 1 भाई बलवान सिंह यादव जी को दे दे, 4 भाग कर दे अमर फल के। कैसी बात कर रहे हो पिया जी? अरे जब आपने दिया था तो ये कहा था कि ये सारा अमर फल रानी तुम ही को खाना है, तो वो सारा अमर फल मैंने ही खा लिया पिया जी। सारा खा लिया? सारा खा लिया पिया जी। अरे थोड़ा तो बच रहा होगा, अब तो छिलका भी नहीं बच रहा उसका। तो बीज ही बच रहे होंगे, वही दे दे। बीज भी खा गई पिया जी। तने न्यू बेरा नहीं है, अमर फल के जो बीज होते हैं वो नहीं खाने चाहिए, और सेब के जो बीज, वैसे भी ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, सेब के बीज कभी नहीं खाने चाहिए, सेब के बीज में जहर होता है, नोट रखना। मैं अब मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बोल रहा हूँ। सेब के बीज हमेशा फेंक देने चाहिए, उनमें गड़बड़ होती है, सेब को खाना चाहिए, बीज फेंक देने तो चाहिए। मैंने तो अमर फल के बीज खाए हैं पिया। अमर फल के, अमर फल में अमर है, लेकिन जो बीज है वह गड़बड़ है, बीज भी खागी के खागी पिया जी खागी। अब क्या गड़बड़ होगी ये तो बता दो। अगले जन्म में तू मुसद्दी की बहू बनेगी, ये गड़बड़ होगी तेरे साथ। आपने मेरे साथ में धोखा किया है, आपने कहा था कि रानी ये अमर फल सारा तुझे खाना है, मैंने तो सारा खा लिया। मतलब कहने का ये है कि अमर फल बिल्कुल भी नहीं बच रहा, इतना सो भी ना बच रहा। देखियो कितना मीठी बोल रहे पिया जी। हाँ हरतार जी। आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे प्राण नाथ हो, मैं आपका कया कैसे टाल सकती हूँ? आपने मुझे कहा कि अमर फल आपको खाना है, और आपकी आज्ञा के अनुसार मैं सारा अमर फल खा गई पिया जी। हो मने मत कहिए भरता, सब हो गई खत्म कहानी, मने मत कहिए भरतार प्यार की, हो गई खत्म कहानी, मने मत कहिए रहना ठीक नहीं। राम बराबर पति सती का धोखा देना ठीक नहीं। हाँ कह दे या ना कह दे, और कुछ भी कहना ठीक नहीं। हाँ कह दे या ना कह दे, अरे कुछ भी कहना ठीक नहीं। Oh!
अमर फल मने अमर फल सारा खा लिया मैं सतवंती नारी पिया। जो ना करो यकीन नहीं जो ना करो यकीन मेरा तो कसम है तुम्हारी पिया। जो ना करो यकीन मेरा तो कसम है तुम्हारी पिया। हो तेरा के रह गया एतबार बदकार तेरी हर पकड़ लई बेईमानी मने मत कहिए मरदा। बीच में पश्चिमी बंगाल के अंदर जिन्होंने भगवा रंग को आसमान में लहराने का काम किया है, जिनको हम प्यार से निर्भया दीदी भी कहते हैं और नाम है उनका रूपा हाँ। चौधरी और ये समझो मेरी सिस्टर हो जैसे जी दीपा रूपा और सच्चाई में मेरी बहन का नाम भी रूपा ही है। पश्चिमी बंगाल से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं बहन जी। ये राठ की भूमि है जिसमें आप पधारी हैं। ये जो पिंगला भरतरी का इतिहास हम सुना रहे हैं ये भी अपने राजस्थान की भूमि से जुड़ा हुआ है। ये देव भूमि भी है, ये वीरों की भूमि भी है और ये दान वीरों की भी भूमि है। यहां के व्यक्ति में शालीनता मिलेगी, सभ्यता मिलेगी, संस्कार मिलेंगे। बेईमानी झूठ फरेब से यहां का व्यक्ति बिल्कुल दूर है। हमारा जो सामाजिक समरसता है वो बहुत गजब की बनी हुई है। यहां पे चाहे कोई बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या अदर पार्टियों का हो, एक पंगत में बैठ करके एक संगत करके यहां भोजन करते हैं। यहां इतना गजब का भाईचारा हमारा बना हुआ है। आप उस प्रदेश से बिलोंग करती हैं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं पर मुझे कष्ट एक बात का होता है जब नव दुर्गाओं में वहां पे बैन लगाया जाता है, जब राम की बारात निकाली जाती है तो वहां पे बैन लगाया जाता है, क्योंकि हम राम के प्रति आस्थावान हैं, राम हमारे आदर्श हैं, तो हमें बड़ा कष्ट होता है। आज आप उस भूमि में भगवा रंग को बुलंद करने का काम कर रही हैं, जहां पे हिंदुत्व को दबाया जा रहा है, इसलिए भी दीदी हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं भाई बलवान सिंह जी का, मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, और आज बहन जी को आप यहां लाए तो हमें बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 500 रुपए पहले हमारे बीच में मैडम संतोष प्रधान जी बैठी हैं, नीम राणा की हमारी प्रधान हैं, और दीदी की तरफ से भी 500 रुपए आए, संतोष प्रधान जीओं की तरफ से भी 500 रुपए आए हैं। भाई मैंने ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं अब समझ गया। मैं ये भी कह दूं कि वो मेरी भाभी जी भी हैं तो कोई अतिशोक्ति की बात नहीं है। चलो मैं उनके छोटा हूं, उनसे उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और भाभी तो मेरी प्रधान है, बस बड़े भाई और जयपुर पहुंच जाए इतनी परमात्मा से दुआ कर रहे हैं, और जब ये पहुंच जाएंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ फायदा ही मिलेगा, आपको भी कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि अपना अपना होता है। और मुझे भरोसा है जब ऐसी ऐसी महान शख्सियत प्रधान जी लेकर के आ रहे हैं तो ये नहले पे दहला मारेंगे। खिलाड़ी आदमी है, राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। प्रधान जियों का तालियों से स्वागत करिएगा, मैडम का भी स्वागत करते हैं, हमारी नीम राणा की प्रधान संतोष जी, दोनों पत पत्नी की तरफ से और आदरणीय विधायक जी की तरफ से 500 रुपए पहले और 500 रुपए एक बार फिर दिए, 1000 रुपए से सम्मान किया गया, बार बार धन्यवाद। अब रागिनी को सुनिएगा। अगर आपको मेरी बात
अमर फल खा लिया पिया जी? मैं तो वैसे ही मर लिया था। हमारे यहाँ रीति रिवाज ये है सजनों, जो सच्चा व्यक्ति होता है वो कभी धर्म ईमान नहीं उठाया करता करोड़ और अरबों खरबों के भी ऊपर। पर तू तो कई कई बार मेरे सर पे। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने अमर फल सारा खा लिया, क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और पतिव्रता स्त्री का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने पति की आज्ञा का पालन करे। अरे डूब का खारी करी करना चाहया अमर प्यार तने, जिसके संग में जारी करी गोबर लीद उठावनिया ते ओ बेरन तने यारी करी गोबर लीद उठावनिया ते ओ बेरन तने यारी करी। एतबार करो क्या सबूत थारे पे, हेर क्या सबूत थारे पे जो मेरे सर पे दोष धरो, जो मैं बिल्कुल साची पाई डूब के कहाँ पे मरो, जो मैं बिल्कुल साची पाई डूब के कहाँ पे मरो। तने हाँ थूकेगा संसार तारे आज पापन बनी रे विरानी बने मत कहिए करता। पति को देखो, एक में ध्यान से सुनना, इतने ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, इससे बड़ी सच्चाई कोई नहीं है। दुनिया ढोंग और पाखंड में बहुत फंसी हुई है। ऐ मेरी माता बहनों, तुम भी ध्यान से सुनना, मातृवान पितृवान आचार्यवान सबसे श्रेष्ठ पांच देवता होते हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए। पांच कौन कौन से? पहला देवता मां, दूसरा देवता पिता, तीसरा देवता आचार्य यानी कि गुरु जो हमें शिक्षा देता है, चौथा देवता अतिथि उसका सत्कार होना चाहिए, और पांचवा देवता होता है कौन? पत्नी के लिए पति। पति तो आप मेरे लिए देवता ही हो स्वामी। हे प्राणनाथ, जो देवता की सौगंध झूठी खा जाए। नहीं, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं आपकी झूठी कसम कभी नहीं खा सकती पिया जी, क्योंकि कहा पतिव्रता वो कहलाती जो पति की आज्ञाकारी हो, कि पतिव्रता वो कहलाती जो पति की आज्ञाकारी हो। हाँ। पति ही ईश्वर, पति ही पूजा, नहीं पति ते न्यारी हो, न्यारी हो उसको पतिव्रता कहा जाता है। और मैंने सारे नियम कानून कायदे अच्छे से पतिव्रता के निभाए हैं पिया जी, मैं सच कह रही हूँ। करवा चौथ का भी व्रत करती है के? करती हूँ आपकी लंबी आयु के लिए। थम भी करती हो के करवा चौथ का व्रत? करे हैं ये सारी। एक भी नहीं करती? पूरा दिन भूखी प्यासी रहकर हम तुम्हारी लंबी आयु की कामना करते हैं। ओ लीला वालो, तुम ज्यादा कोई नहीं जियोगे, एक भी लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं करती तुम। सारी करे हैं ये। हाथ खड़ा करवा दे। ले सर मारिए, इनके देवर जेठ ससुर बैठे यहाँ। तो सुनो ध्यान से, थोड़ी कड़वी दवाई है पर पी जाना, कड़वी दवाई है पर पी जाना। अगर रामायण पढ़ी हो तो रामायण में सीता जी ने कोई व्रत नहीं करे यो करवा चौथ का, 40 साल पहले भी नहीं था, पर इव दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है।
एक दिन मेरा ये ढोलक वाला यूं बोला, गुरुजी मैं कहा अगवाई कल 8 बजे आ जाइयो। यूं बोला कल कोई नहीं आऊं। मगवाई के बात कि गुरुजी समझा करो, तुम तो मानो को ना, मैं कल कोई नहीं आऊं। अरे मैं कहा बता तो दे के बात क्यों नहीं आवे, प्रोग्राम है। बोले तुम अपना इंतजाम कर लियो गुरुजी, मैं कल कोई नहीं आऊं। बाजे वाला बोले गुरुजी कल करवा चौथ है यो इसलिए नहीं आवे। मग भाई करवा चौथ में क्या होगा? बोले इसकी घरवाली छलनी में क्या इसका मुंह देखेगा देखेगी। अरे मैं क्या छलनी में क्या मुंह, जब ये डायरेक्ट ही है तो छलनी में क्यों देखेगी? अरे बोलो गुरुजी तुम जानते नहीं हो, तुम तो दिन रात रागनी गाओ, तुमने के बेरो। वो ढोलक वाला नहीं आया, हमने एक दूसरे से काम चला लिया। मका अगले दिन तो आ जागो। बोले 6 बजे आ जाऊंगा। वो बंदा आ गया 5:30 बजे और आते ही पैर छुकने बोलो गुरुजी नमस्ते। मगर रोवे क्यों है? एकदम तर रोने लगा। अब मगर के बात हुई? बोले गुरुजी मत पूछो भाई, ज्यादा परेशान हूं। मगर क्यों बात बता, के बात हुई? रोन लगा छोरा। मका के बात? करवा चौथ का व्रत रही होगी तेरी घरवाली। बोले गुरुजी करवा चौथ नहीं तो मार दिया। मका के बात? कि 17,000 रुपए का सामान तो सुबह लिवा के ले आया, 3,000 रुपए के वो बिछुआ वाली फेर दोपहर को लिवा के ले आया, और शाम को 5 बजे न्यू बोली 25,000 की साड़ी और दिवा के ले आया जब व्रत खोलूंगी। और मैं कह व्रत ना खोलिया बोले मरता मैं फिर। मैं कह फिर? बोले गुरुजी 25,000 मेरे पास थे नहीं। फिर क्या हुआ? बोले लठ बाज गया। फिर ने बोला गुरुजी 2 घूंसे उसने मारे और 2 घूंसे मन्ने मारे। फिर बोले अंत में मजबूरी में दुकानदार से 25,000 की साड़ी दिलवा के ले आया, 45,000 रुपए बर्बाद हो गए और 2 घूंसे खा लिए गुरुजी, इसी करवा चौथ मना के आया हूं। सुनो मेरी माता बहनों, अगर पति की लंबी आयु करनी है तो एक ही दवाई बता रहा हूं, ये करवा चौथ का व्रत। व्रत तो ढोंग है, मैं खुले मन से बोल रहा हूं, पर पति की अगर लंबी आयु बढ़ानी है, आते ही उसके पांव दबाओ, उसे पानी दो 1 गिलास, चाय मत पिलाया करो, दूध पिलाओ, ताजा ताजा रोटी खवाओ, बढ़िया सब्जी बनाओ हरी, और फिर एक बार न्यू भी बूझ लिया करो, हे पति देव गर्म पानी करूं कि ठंडे ते नहलेगा। तो भाई साहब मानस इतने बढ़िया दिल का होता है, बोला क्यों पचे है? न्यू भी बूझ लिया करो, अगर ये 2 घंटे पहले रोटी करी थी यो ही खा लोगे, गर्म करूं तो ठंडी खा लेगा भाई साहब अगर मीठी बोलेगे। ऐसे तो पति की आयु बढ़ेगी। और एक छत्राणी के पति सुबह का लिकड़े 8 बजे का, रात को 10 घर में 10 बजे बढ़े, और सारे ने लाल मिर्च की चटनी घोट घोट के खवावे, लाल मिर्च की चटनी घोट घोट के, भाई साहब 60 साल में मरता हो 40 में ही घुरट लेगा, 40 में ही पार बोलेगा। एक तो मीठी बोलिया करो और एक सेवा करया करो, समय पे पान दबाया करो, दोनों समय दबाया करो, सारे घर में तू भी दबाया कर दोनों समय। मैं तो खूब दबाऊं पर असर दिख नहीं रहा कहीं। जब दबावेगी तभी तो असर होगा, क्यों मुसद्दी? मैं तो खूब खुराक दे रही हूँ, इसलिए मेरा निवेदन। क्या कह रही थी? मैं पतिवरता हूँ। हाँ मैं पतिवरता हूँ। तने तो धब्बा लगाया, सुन। कैसे लगा दिया धब्बा? मतना बोले तेरा मेरा पक्का बैर। अगली लाइन सही कह दूं तो ताली दे देना सुनने के बाद। इब ते आगे मतना बोले तेरा मेरा पक्का बैर। जिस घर में ऐसी डायन हो उस घर की मत समझो खैर। जिस घर में ऐसी डायन हो उस घर की मत समझो खैर। मौके का गभा कोण में किसने करती देखी पाप। इन बातों का धर्म राज के
दफ्तर में होगा इंसाफ। इन बातों का धर्म राज के दफ्तर में होगा इंसाफ। घनी क्या मत बोले बात का तलवार धरूं क्यों करे दल पे मार जानी मते मत कहिए भारत हजारों की तादाद में नारी शक्ति बैठी हुई है, मंच पे भी बैठी हुई है, कई हजार की तादाद में ये लोग बैठे हुए हैं, इन सब के सामने सच बता, अमर फल खा लिया? खा लिया। तीन बे कहे अमर फल खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया। ए, तीन बे कहे चार बे नहीं मुसद्दी, तीन बे कहे नहीं, यूं कहे अमर फल खा लिया खा लिया खा लिया, यूं कहे पिया जी अमर फल खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया। फिर चार बे कह रही है, चल एक बार फिर इन सब के सामने मेरे सिर पे हाथ रख के कह दे अक हां पिया जी अमर फल खा लिया। पिया जी मैं आपकी कसम खा के कहती हूं कि मैंने अमर फल खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया। अब कोई नहीं बचे दादा, अब तो यकीन कर लो मेरी बातों पे। मांगे राम ने लिखा है घोड़ी वीर काम की कोई ना घर में घिरे बिना, और क्यों कर राजा सबर आदमी का पेटा भरे बिना, किसने देखा स्वर्ग भरतरी आपा मरे बिना, तने अमर फल खा लिया। वाह खा लिया पिया जी खा लिया, शाबाश। अगर तने अमर फल खा लिया तो सुन मेरी बात, कहिए पांच। हाँ। जिसको वो अमर फल दिया सारी मुझको होगी जांच। कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो, जिसको वो अमर फल दिया सारी मुझको हो गई जांच। देख ले देख ले देख ले अमर फल वो ही सांच को ना होती आंच। देख ले अमर फल वो ही सांच को ना होती आंच। देख ले अमर फल वो ही सांच को ना होती आंच। ये नहीं है पिया जी, मैंने तो वो अमर फल खा लिया। यही है वो, ये नहीं है। बस थोड़ा सा दांत मुसद्दी ने लगा दिया यहाँ और तो बाकी थोड़ा सा खा गया, ये नहीं है, ये वही है। और अगर इब्बी तने झूठ बोलिया तलवार से, कहा है मुसद्दी तलवार कहा है, अगर तने इब्बी झूठ बोलिया तो तेरा कोई सम्मान नहीं रहेगा, और ये मुसद्दी की तलवार किसकी गर्दन पे चल जाए नहीं। मर जाऊंगी, तू मेरा घर बिगड़वाएगा। इसने तो कितने घर बसाए हैं आज तक, बिगाड़िया कोई नहीं एक भी। ये अमर फल नहीं है पिया, ये वही अमर फल है, वही नहीं है, वही है, नहीं है, नहीं है।
मैं तो वो सारा खागी पिया जी। तो फिर ये कहां से आ गया अगर वो सारा खागी? तो ये उसका बच्चा होगा, अमर फल का भी बच्चा होता है। ये भी लग रहा था ना उस अमर फल में, देख ये भी लग रहा था, अभी तो पहचान लिया वही है। लग तो रहा था पिया जी, पर ये नहीं है, मैं तो खा गया। अब मत कह दियो नहीं तो तलवार चल जाएगी। देख सोच समझ कर, इसका मतलब ये है कि अमर फल तूने कोतवाल को दिया था। है? कौन कोतवाल? मैं तो किसी कोतवाल को जानती भी नहीं हूं। सही, कोतवाल को दिया था। मैं नहीं जानती किसी कोतवाल को। और इसका मतलब ये भी है, अकजो तने नगर सेठ की गवाही दिलवाई थी विक्रमा के खिलाफ, हाँ वो भी झूठी दिलवाई। नहीं पिया जी नहीं, किसने बहका दिया आपको, सब झूठ है। अच्छा बताइए अमरफल वही है नहीं है? क्या कहा? वही है। हाँ वही है। फिर तो ये भी बता कि नगर सेठ ने जो गवाही दी थी वो भी झूठी दी थी। झूठी दी थी। ए नगर सेठ, सेठानी को लेकर क्या? सेठानी इधर राजा, राजा के आदेश का तुरंत पालन होना चाहिए। क्यों बे लाला जी, तुझे शर्म नहीं आई? ए सेठानी, तने इस बुड्ढे आदमी के लिए ब्याह कर लिया, तुझे भी शर्म आनी चाहिए थी। काम क्यों रहा है? तूने मेरे भाई के खिलाफ गवाही दी थी, बोल वो सच थी कि झूठ थी? बोल बोल। कांपो मत, सेठानी इसकी कंपन रोक। कांपो मत, मरवा मरवा। महाराज वो गवाही झूठी थी। महाराज झूठी थी? हाँ पकड़ियो रे अमरफल पकड़। अगर वो गवाही झूठी थी हाँ तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। बता तुझे मारूं या तेरी सेठानी को मारूं? नहीं महाराज किसी को मत मारो, अभी तो 20-25 दिन हुए हैं नगर सेठ की शादी को। महाराज अभी बुढ़ापे में तो मैंने दूसरी शादी की है लेन देन की वजह से, अब आप मेरी सेठानी को मारना चाहते हो? ऐसा मत। नहीं दो में से एक को मारूंगा, तू बता तुझे मारूं या इसे मारूं? मैं मर गया तो मेरा सारा पैसा मर जाएगा, मेरा कई करोड़ों का लेन देन है महाराज भरतरी। तो फिर सुन, तेरे पे फैसला नहीं हो रहा। ए सेठानी इधर आ। जी महाराज। तू बता तुझे मारूं या इसे मारूं? महाराज इसे मार दो। सेठ को मार दूं? मार दो, थोड़े दिन का रह रहा महाराज, क्या करूंगी इसका? मैं आपको बचाने की बात कर रही हूँ, मैं मुसद्दी की बात कर रही हूँ। देख लो आज आज इस सेठानी ने जाहिर कर दिया कि नार नहीं नौरंगी है, किसी ने दी है, मैंने कि नहीं दी। नार नहीं नौरंगी है और नौरंगी नहीं बहुरंगी है, और ढक दे तो सारे कुल को ढक दे वरना नंगी की नंगी है। सेठानी महाराज गवाही इसने दी, मैंने तो ये सोचा था क्या? कि मेरा जो करोड़ों का लेन देन है इससे दुगुना अच्छा। चौगुना करने का तू काम करेगी। हाँ। लेकिन इस बुढ़ापे में जो नगर सेठ को धोखा दे के जा रही है ना, जा मैं तुझे शराब दे रहा हूँ, तेरे सांप पड़ेंगे बहुत लंबे लंबे सांप, तेरे कीड़े पड़ेंगे, तेरे पड़ेंगे सांप, तेरे मुसद्दी जैसे कीड़े पड़ेंगे। अब ये बता तू जा रही है मुझे छोड़ के? मैं तो जा रही हूँ मुसद्दी के पास। चले मुसद्दी जा रही है, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, जा रही है? जा रही हूँ मैं तो। जा रही है, ले चलेगी तो मेरा बच्चा पेट में उसे और दे जा। चल मुसद्दी तो ले लियो। अरे देख ले अमर फल वो ही साच को ना होती आच, देख ले अमर फल वो ही साच को ना होती आच। शर्मिंदी होगी आगा पाछा देखा कोन्या,
इश्क नशे में अंधी होगी, कह जे करण सती वही जो आपे पे पाबंदी होगी, कह जे करण सती वही जो आपे पे पाबंदी होगी। और लोगो ना सब दुनिया एक सार पार हुए ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी, मने मत कहिए